सॉलिड कोन है, दिस इज द सॉलिड कोन, ठीक है समझना, सॉलिड कोन है ये, इट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम, सॉलिड कोन है और सॉलिड कोन इसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो h है, तो कोन की अगर हाइट h है और कोन का बेस एक सॉलिड हेमी स्फीयर से मिलके बना हुआ है, दोनों सॉलिड है पर दोनों का मटेरियल सेम है, बोथ है सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, इनकी जो मटेरियल है वो सेम है यार, क्लियर है, इन दोनों का बोथ है सेम मटेरियल, जो रेडियस है वो r है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उनके इस बेस पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे ये जो बेस है उसके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है और ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यही लाई कर रहा है। हम लोग को h की वैल्यू निकालनी है, वी बेसिकली वॉन्ट टू कैलकुलेट h इन द टर्म ऑफ रेडियस r, हमें h की वैल्यू निकालनी है आर के टर्म में। क्वेश्चन समझ में आ गया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आएगा, मटेरियल सेम है और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक सॉलिड कोन है। अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं, तो एच की वैल्यू निकालने की जब मैं फार्मूला यूज करूंगा, तो फार्मूला क्या होता है कि वाई सेंटर ऑफ मास जो है वाई इज इक्वल टू वाई वन एम वन प्लस वाई टू एम टू एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास इज एम वन प्लस एम टू, क्लियर है। तो सबसे पहले बात है कि हमारे पास किसी का मास नहीं पता है यार, सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं मास निकालूंगा। मास कैसे निकालूंगा, तो y1 y2 क्या है, y1 y2 जो है जो m1 मास है उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, m1 जो मास है वो सेंटर ऑफ मास है, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है। अब आपको ये बात याद करनी पड़ेगी, अगर आप तभी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो सॉलिड कोन होता है बेस से उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है, दैट इज h बाई फोर पे आता है, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, सॉलिड कोन जो है उसका सेंटर ऑफ मास ये है। जो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से इससे इधर कहीं यहाँ पे आता है, जो कि होता है 3R बाई 8, ठीक है, ये क्योंकि अगर आप इसको जानोगे नहीं तो फिर ये वैल्यू कैसे रखोगे, y1 y2 की वैल्यू रख ही नहीं पाओगे, y1 y2 क्या है, m1 का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलो अब हम बेसिकली हम निकालेंगे क्या, मास निकालेंगे, इन दोनों का मास कितना है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हाइट एच डिवाइडेड बाय 3 और मटेरियल रो, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द मास ऑफ द कोन, ठीक है, मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का मास क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम 4 पाई आर, वॉल्यूम क्या होता है इसका, सबको याद है ना, 4 बाई 3 पाई आर क्यू, आधा है तो 2 पाई आर क्यू और डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई रो, दैट इज द मास ऑफ दिस सॉलिड हेमिस्फीयर, क्लियर है। अगर इससे सॉलिड हेमिस्फीयर का मास इतना, इसका मास इतना, अब डायरेक्ट मैं फार्मूले में ले जाके रख देता हूँ, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके बेस पे आया है, ध्यान देना यहाँ से, जो सेंटर ऑफ मास है इनके बेस पे आया है, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इन जो ये वाला फार्मूला है, ये जो फार्मूला है वो मैं लगाता हूँ इसके लिए, इन दोनों के लिए। अब जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो यहीं से मैं वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन यहीं असाइन कर देता हूँ, 0,0 ओरिजिन यहीं असाइन कर देता हूँ, जिससे ये वाला कोऑर्डिनेट जो वाई है वो 0 चला जाएगा, तो ये जो वाई है वो आ गया 0 इक्वल टू, अब दोनों के मास डालो और वाई वन और वाई टू की वैल्यू डालो, पहला जो कौन था मास, उस वो है पाई आर स्क्वायर एच रो और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई वन क्या है, एम वन मास का वाई कोऑर्डिनेट, एम वन मास का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो कौन के सेंटर ऑफ मास एच बाई 4 पे है, तो यह आ जाएगा एच बाई 4 प्लस y2 क्या है, एम टू मास के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट जो कि है 3R/8 पे और मल्टीप्लाइड बाई इधर एम टू 2 पाई आर की पावर क्यू एंड
डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई रो डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस, इधर आके कुल मिला के ये जीरो चला जाए, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो रो रो भी जीरो आ गया, पाई भी जीरो आ गया, आर स्क्वायर यहाँ से आर 3 आर की पावर 4 आर रहेगा, तो एक बार यहाँ से एच पाई और यहाँ बचा आ एच स्क्वायर आर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर पाई और रो खत्म हो गया और 12 इक्वल टू, साइन को इग्नोर कर दो, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है चलो, हाँ क्योंकि हमें एच और आर में रिलेशन निकालना है, और नहीं तो अगर निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप निगेटिव रख दो। ठीक है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से ऊपर ओरिजिन प्लस और माइनस 3r/8 रख दोगे तभी भी वो बात बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ से आर स्क्वायर एच और ये फाइनली मुझे मिला, ये 3 ने 3 को खत्म कर दिया, r की पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये सब खत्म हो गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर यहाँ से मिला, आर स्क्वायर यहाँ से मिला और ये 3, तो h की वैल्यू जो आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी r/√3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन h एंड r, ये इन दोनों में रिलेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।